नमस्कार, मनी नाइन झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। आम आदमी को जल्द ही बड़ी सुविधा मिलने वाली है। वह सुविधा है बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से रुपए निकालने की। आरबीआई इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। अब इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। खबर तो आपको पता चल गई, लेकिन आपके मन में अभी भी काफी सवाल होंगे, जैसे कि इसका क्या फायदा होगा, ये सुविधा कैसे काम करेगी, वगैरह वगैरह। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि देश के सभी बैंकों और एटीएम मशीन ऑपरेटरों को कार्ड के बिना कैश निकालने की फैसिलिटी देनी होगी। देश में इस समय कुछ ही बैंक एटीएम मशीन से कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा दे रहे हैं। इसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सबसे आगे हैं। बैंकों की ये सर्विस इस समय केवल ऑन एंड ऑन बेस पर ही मिलती है। मतलब इसमें किसी बैंक के ग्राहक अपने ही बैंक के एटीएम मशीन से इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आरबीआई का ये नया नियम लागू होने के बाद अब देश के सारे बैंक और एटीएम मशीन पर ये सर्विस मिलने लगेगी। मतलब आप भले ही एसबीआई के ग्राहक हो या फिर एचडीएफसी के, आप किसी भी बैंक की एटीएम मशीन में बिना डेबिट कार्ड के रुपए निकाल पाएंगे। इतनी कहानी तो अब आप समझ गए होंगे, लेकिन अब ये जान लीजिए कि ये सुविधा आखिर काम कैसे करेगी। ये सुविधा आपको यूपीआई के जरिए मिलेगी। आरबीआई ने कार्डलेस कैश फैसिलिटी के लिए सभी बैंकों और एटीएम ऑपरेटरों को अपनी एटीएम मशीन यूपीआई से इंटीग्रेट करने के लिए कहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को भी यह निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के लेन देन में यूपीआई से ग्राहक की पहचान सुनिश्चित होगी, जबकि सेटलमेंट एटीएम नेटवर्क या नेशनल फाइनेंस स्विच से होगा। आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि कार्डलेस होने वाले सभी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री होंगे। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि एटीएम से नगद निकासी के नियम वही रहेंगे, यानी आपके बैंक ने एटीएम विड्रॉल की जो लिमिट तय की है वो बनी रहेगी। आम आदमी को इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि एटीएम पर होने वाली फ्रॉड की घटनाएं कम होंगी। इसे कार्ड की क्लोनिंग, स्कीमिंग, एटीएम मशीन की टेम्परिंग आदि पर भी काफी हद तक रोक लग जाएगी। अब पूरी कहानी तो आप जान गए, लेकिन एक सवाल अब भी आपके मन में होगा कि भाई आखिर बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से रुपया निकलेगा तो निकलेगा कैसे? एटीएम में तो सबसे पहले कार्ड लगाना होता है, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ती है। तो चलिए आपको बताते हैं। कार्डलेस ट्रांजैक्शन के लिए आपको अपना स्मार्टफोन, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी से कनेक्ट करना होगा। अब आगे की प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। इस सुविधा की शुरुआत होने के बाद एटीएम मशीन पर कार्डलेस विड्रॉल का एक ऑप्शन दिया जाएगा। एटीएम मशीन पर पहुंचकर बिना डेबिट कार्ड के कैश निकालने के लिए आपको इसी कार्डलेस विड्रॉल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एटीएम की स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखेगा। आपको इस कोड को यूपीआई ऐप के जरिए स्कैन करना होगा। अब आपको यूपीआई पिन नंबर डालना होगा और जितना कैश निकालना है वो अमाउंट आपको एंटर करना होगा। इतना करने के बाद एटीएम मशीन से तुरंत कैश निकल आएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसका मैसेज आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह खबर आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ दीक्षित ने। ऐसी ही और खबरों के लिए मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।